हेलो दोस्तों मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज के वीडियो में हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे यह वीडियो दो पार्ट में होगी पहले पार्ट में हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड पैराथायरॉयड एड्रिनल और पीनियल ग्लैंड और इससे रिलीज होने वाली हॉर्मोन्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम पैनक्रियास गुना और प्लेसेंटा के बारे में जानेंगे दोस्तों इंटोक्राइन सिस्टम को हार्मोनल सिस्टम भी कहा जाता है इंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड से बना होता है जो शरीर के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि इन्वायरमेंट के प्रति बॉडी का रिएक्शन बॉडी में सब्सटेंस का लेवल मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ इम्यून रिस्पॉन्स और सेक्शुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन प्रत्येक ग्लैंड हार्मोन नामक केमिकल मैसेंजर को सीधे ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट्स करती है ये हार्मोन ब्लड प्लाज्मा में घुल जाते हैं और शरीर के स्पेसिफिक रीजन से होते हुए ब्लड वेसल से होकर टारगेट सेल से अटैच हो जाते हैं और सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन की एक्टिविटी में चेंजिंग लाते हैं दोस्तों हार्मोन शब्द ग्रीक लैंग्वेज के हार्मोन से लिया गया है जिसका अर्थ है स्टिमुलेट और एक्साइट करना हार्मोन का सिक्रेशन बॉडी के कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड द्वारा होता है जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को डकलेस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनमें सिक्रेशन के लिए डक्ट नहीं होती है डकलेस होने के कारण ये ग्लैंड अपने सिक्रेटिंग हार्मोन को सीधे ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज करती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा ही इनके ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में किया जाता है दोस्तों हाइपोथेलमस पिट्यूटरी थायराइड, एडोनल ग्लैंड ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं वहीं टेस्टिस और ओवरी ग्लैंड के एग्जाम्पल है जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन होते हैं दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि यह हार्मोन बॉडी में किस तरह से फंक्शन करता है हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के द्वारा कई सेल्स के कांटेक्ट में आता है प्रत्येक टाइप्स का हार्मोन केवल स्पेसिफिक टारगेट सेल्स के बिहेवियर को ही इफेक्ट करता है क्योंकि एक सेल्स हार्मोन के प्रति तभी रिस्पॉन्स करती है जब उसके सर्फेस पर या उसके साइटोप्लाजम या न्यूक्लियस में उस स्पेसिफिक हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स हों हॉर्मोन्स के रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद एक रिएक्शन ट्रिगर होता है जो सेल्स के फिजियोलॉजिकल बिहेवियर को चेंज कर देता है सेल्स में ये चेंजिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ इम्यून रिस्पांस और सेक्सुअल डेवलपमेंट को एफेक्ट करता है आइए अब अपने बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड और उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में जान लेते हैं इसमें सबसे पहला ग्लैंड है हाइपोथैलेमस इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होने के साथ साथ एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है यह ग्लैंड लगभग एक एलमंड सेप का होता है जो थेलमस के नीचे और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर स्थित होता है बॉडी मूड भूख प्यास नींद और सेक्स ट्राइब को भी नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड स्कल की फेनॉइड बोन में सेला टर्सिका नामक गड्ढे में उपस्थित होती है यह पैलेट और ब्रेन के सरफेस के बीच में स्थित होती है इसका वेट लगभग जीरो पॉइंट सिक्स ग्राम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथेलमस से सिग्नल लेती है इस ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं इसमें पीछे के लोब्स को पोस्टीरियर और आगे के लोब्स को एंटीरियर लोब कहते हैं पोस्टीरियर लोब उन हार्मोन का सिक्रेशन है जाते हैं पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन में पहला एंटीड्यूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच है जो किडनी को वाटर एब्बॉर्ब के लिए स्टिमुलेट करता है इसमें दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जिसका फंक्शन चाइल्ड बर्थ के समय यूटराइन कॉन्ट्रेक्शन को स्टिमुलेट करना है दोस्तों एंटीरियर लोग अपने खुद के हार्मोन बनाते हैं जो अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पार्ट से ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच प्रोलैक्टिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच एस एच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिकार्मोन यानी एसीटीएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच रिलीज होती है दोस्तों ग्रोथ हार्मोन बॉडी के टिश्यू के ग्रोथ को प्रमोट करता है प्रोलैक्टिन मदर से मिल्क के सिक्रिशन को प्रमोट करता है टीएसएच हार्मोन थायरय ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को और एसीटीएच एड्रेनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है एफएसएच और एलएच हार्मोन गैमेट प्रोडक्शन और सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है एफएसएच और एलएच को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों ह्यूमन में थायरॉयड ग्लैंड बाइलोब्ड होती है यह ग्लैंड विंड पाइप या ट्रेकिया के दोनों तरफ लेरिंगस के ठीक नीचे स्थित होती है यह कनेक्टिव टिश्यू की पतली ट्रांसवर्स बैंड से जुड़ी रहती है जिसे एस्तेमस कहते हैं

श्यूमन में एक लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायरोडिज्म हो जाता है हाइपोथायरोडिज्म फीमेल में इरेगुलर मेन्स्ट्रल साइकिल के रीजन में से एक है दोस्तों फूड्स में आयोडीन की कमी के कारण घेगा या ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है इसके कारण थायराइड ग्लैंड के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है वहीं थाइरॉक्सिन के हाइपर सिक्टेशन के कारण आँख फुलकर ऑर्बिट से बाहर निकल आती है इस डिजीज को एक सौ ग्वाइटर या ग्रेव्स डिजीज कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड मटर की सेब की लोप्ड ग्लैंड है ये थायरॉयड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होती है और कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल द्वारा उससे अलग रहती है इस ग्लैंड द्वारा दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है ये दोनों ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अमाउंट को कंट्रोल करते हैं पैराथायरॉयड और कैल्सिटोनिन हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होती है

ये दोनों भाग फंक्शनली रूप से और ओरिजिन में भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एडूनल कॉटिक्स से ग्लूको कार्टिकॉयड्स और सिक्स कॉटिकॉयड्स हार्मोन रिलीज होती है ग्लूको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबोलिज्म को कंट्रोल करते हैं वहीं मिनरलोकॉटिकॉइड्स का मेन फंक्शन रिनल ट्रिब्यूल द्वारा सॉल्ट्स के रीअब्जॉर्बन और शरीर के अन्य सॉल्ट्स के अमाउंट को कंट्रोल करना है ये हार्मोन बॉडी में वाटर बैलेंस को भी नियंत्रित करते हैं सेक्स कॉटिकॉइड्स मसल्स और बोन के ग्रोथ को कंट्रोल करता है इसके अलावा यह हार्मोन एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ और सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है दोस्तों फीमेल में इस हार्मोन की हाइपर सिक्रेशन से चेहरे पर बाल बढ़ने लगते हैं जिसे एडुनल विरिलिज्म कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड के दूसरे पार्ट यानी एड्रिनल मेडुला से एड्रीनलिन और नॉर एड्रिलीन या नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है एड्रीनलिन हार्मोन एंगर फियर यानी डर मेंटल स्ट्रेस जैसी सिचुएशन में एक्सेस सिक्रेट्स होने लगता है

एडुनल ग्रैंड के हाइपोसिक्रेशन से एडिशन डिजीज और कोंस डिजीज हो जाती है वहीं इसके हाइपरसिक्रेशन से क्यूसिंग सिंड्रोम और विरिलिज्म नामक बीमारी हो जाती है एडिशन डिजीज में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तथा सोडियम और वाटर का एक्सक्रेशन बढ़ जाता है जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है इसके अलावा इस डिजीज में फेस नेक और स्किन पर जगह जगह रैसेज आ जाते हैं कोंस डिजीज सोडियम और पोटेशियम की कमी से हो जाता है इस डिजीज में मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है के से होने वाले डिजीज़ क्यूसिंग सिंड्रोम में शरीर में वाटर एवं सोडियम का डिपोजिशन अधिक हो जाता है जिसके कारण मसल्स रिलैक्स होने लगता है और प्रोटीन भी बढ़ जाता है तथा बोन्स इरेगुलर हो जाती है ह्यूमन में पीनियल ग्लैंड एक छोटी हाईली वैस्कुलराइज और सिक्रोटिव न्यूरोन है यह ब्रेन के मिड लाइन में ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर स्थित होता है और एक छोटे स्टॉक द्वारा तीसरे वेंट्रिकल के रूप से जुड़ा हुआ होता है मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है जो नर्वस टिश्यू को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही यह हार्मोन नींद के पैटर्न को भी कंट्रोल करती है दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको समझ आया होगा इस वीडियो का दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें